प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपका वर्चुअल मार्गदर्शक जयप्रकाश आर मिश्रा। चलिए हम सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज हम लोग कक्षा 9वीं विषय विज्ञान और प्रौद्योगिकी, जिसको हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी बोलते हैं। आज का बच्चों अपना प्रकरण है सजीवों की जीवन प्रक्रियाएं। उसमें हम पार्ट 1 आज चर्चा करेंगे बच्चों, जिसको हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, और आपका मार्गदर्शक शिक्षक है जयप्रकाश आर मिश्रा। तो बच्चों सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सजीवों की जीवन प्रक्रियाएं में क्या क्या हमको सीखना है, और हम आपको इस पाठ में 3 वीडियो दिखाएंगे। आज हम पार्ट 1 के बारे में चर्चा करेंगे, फिर पार्ट 2 और फिर पार्ट 3। इसमें है क्या बच्चों, ये देख लेते हैं। सजीवों की जीवन प्रक्रियाएं में लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, वनस्पतियों में परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स में कैसे होता है, उसके बारे में चर्चा हम करेंगे। दूसरा है उत्सर्जन वनस्पति प्राणी और मानव में, जिसको हम बोलते हैं एक्सर्शन प्लांट्स एनिमल्स एंड ह्यूमंस, और समन्वय वनस्पति और मानव में, जिसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन प्लांट्स एंड ह्यूमंस। तो बच्चों आज हम लोग इस वीडियो में वनस्पतियों में परिवहन, उत्सर्जन में केवल हम वनस्पतियों के उत्सर्जन के बारे में चर्चा करेंगे। अगले वीडियो में हम उत्सर्जन में वनस्पति प्राणी और मानव, और थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन के बारे में चर्चा करेंगे, और तीसरे वीडियो में हम कोऑर्डिनेशन वनस्पति और मानव के बारे में चर्चा करेंगे। तो बच्चों आपने बहुत कुछ सीखा है। पाचन संस्थान जो हमारा पाचन तंत्र है, श्वसन संस्थान जो हमारा श्वसन तंत्र है, ये कैसे कार्य करता है, इसका कार्य बच्चों कैसे चलता है। हमारे शरीर के अंदर शरीर के बाहर बहुत सारी क्रियाएं होती रहती हैं। हाथ पैर द्वारा जो हम बाहर की क्रियाएं करते हैं वो अपने बस में है, लेकिन कुछ तंत्र हमारे ऐसे हैं बच्चों जो 24 घंटा काम करते रहते हैं, चाहे हम सोते रहते हैं चाहे जागते रहते हैं, उस पर कोई फर्क पड़ता नहीं है। उसमें एक पाचन संस्थान और श्वसन संस्थान दोनों आते हैं। तो बच्चों ये देखिए, ये पाचन संस्थान है जो हम खाते पीते हैं दिन भर, सुबह शाम रात में भी वो हमारे अंदर डाइजेस्ट होता रहता है। हमारे सब खाना पेट में जाता है, पेट में पाचन की क्रिया शुरू होती है, छोटी आंत में, फिर बड़ी आंत में, फिर जो ऐसे वर्ज्य पदार्थ हैं एनस के द्वारा बाहर निकाल दिए जाते हैं। आपने इस सब बारे सीखा है। दूसरा जो है श्वसन संस्थान, आप ये भी सीखे हैं कि फेफड़ों द्वारा श्वसन की हुई ऑक्सीजन गैस जो होती है पूरे शरीर में प्रत्येक भाग में हर कोशिका तक पहुंचाई जाती है, इसके बारे में भी हम लोगों ने सीखा है। तो बच्चों मानव शरीर द्वारा पाचन किया हुआ अन्न या फेफड़ों द्वारा शरीर में श्वसन की हुई ऑक्सीजन गैस, ये क्या होता है, शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाया जाता है। जैसे एक उदाहरण हम आपको बताते हैं कि कुएं बांध के पानी को नहरों द्वारा किसान के खेत में पहुंचाने का प्रयत्न करता है, उसी प्रकार मानव मनुष्य के पाचन संस्थान द्वारा जो ग्रहण किया गया भोजन है, भोजन से हमको ऊर्जा प्राप्त होती है, वो ऊर्जा में रूपांतरण करता है,
और यह ऊर्जा ऑक्सीजन रक्त द्वारा संपूर्ण शरीर में पहुंचाया जाता है। यह आप देख रहे हैं, मानव शरीर द्वारा पाचन किया हुआ अन्न या फेफड़ों द्वारा शरीर में श्वसन की हुई ऑक्सीजन गैस शरीर की प्रत्येक कोशिका तक किस प्रकार पहुंचाई जाती है, ये देखिए। मनुष्य की पाचन संस्था द्वारा हमारे ग्रहण किए हुए भोजन का ऊर्जा में रूपांतरण होता है और यह ऊर्जा ऑक्सीजन रक्त द्वारा संपूर्ण शरीर में पहुंचाया जाता है। आगे हम ट्रांसपोर्टेशन, जिसको हम परिवहन बोलते हैं, परिवहन। परिवहन क्या है बच्चों? परिवहन क्रिया द्वारा एक भाग में संश्लेषित या अवशोषित किया हुआ पदार्थ दूसरे भाग तक पहुंचाया जाता है। जैसे ट्रांसपोर्ट माने परिवहन होता है, जैसे देखिए हम एक स्थान से दूसरे स्थान को पहुंचने के लिए ट्रांसपोर्ट की जरूरत हमको पड़ती है, एक स्थान से दूसरे स्थान को जाने के लिए। इसी प्रकार से हम जो भी कुछ खाते पीते हैं, सब्जी खाते हैं, हरी भाजी, वनस्पतियों को भी हमारी तरह खनिजों की आवश्यकता होती है। आप सभी जानते हैं हम लोग ऑक्सीजन श्वसन के लिए ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, पेड़ पौधे श्वसन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं और वनस्पतियां कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करती हैं और वो ऑक्सीजन निकालती है, जो हमारे लिए कितनी उपयोगी है। बच्चों ऊर्जा तो सबको आवश्यकता होती है, ये गाड़ी बस चल रही है ना, इसको ईंधन की भी आवश्यकता होगा, अगर ईंधन नहीं रहेगा तो चलेगी नहीं। तो आज हम आपको ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, वनस्पतियों में परिवहन कैसे होता है। बच्चों बच्चों हम लोग बहुपोषकी प्राणी है, तो बहुत सारे प्राणी आप जानते हलचल करते हैं, माने एक स्थान से दूसरे स्थान को चल सकते हैं, लेकिन आप सभी जानते हैं वनस्पतियां, हम श्वसन क्रिया हम भी करते हैं, उत्सर्जन हम भी करते हैं, वो वनस्पतियां भी करती है, लेकिन हम एक स्थान से दूसरे स्थान को जा सकते हैं, वनस्पतियां एक स्थान से दूसरे स्थान को नहीं जा सकती हैं, वे स्थिर रहती हैं, क्योंकि उनके शरीर में बहुत सारी मृत कोशिकाएं होती हैं। अब प्राणियों की तुलना में ये देखिए वनस्पतियां हैं, ये भी सारी क्रियाएं अपने स्थान पर करती हैं, लेकिन ये प्राणी ही देखिए, कुत्ता हम दिखा रहे हैं बच्चों, कुत्ता देखिए दौड़ता हुआ स्थान परिवर्तन कर सकता है, ये स्थान परिवर्तन कर रहा है, लेकिन ये वनस्पति क्रिया कर रही है, श्वसन की क्रिया करती है, लेकिन बढ़ती है, सब कुछ क्रिया है हमारे जैसी, लेकिन स्थान परिवर्तन नहीं कर सकती। जब बच्चों ये स्थान परिवर्तन नहीं कर सकती तो इसको ऊर्जा की कम आवश्यकता होती है। आप जैसा जानते हैं वनस्पतियों में, वनस्पतियों को क्या क्या चाहिए, वनस्पतियों को नाइट्रोजन, प्राणी हलचल करते हैं, वनस्पतियां स्थिर रहती हैं, इसलिए प्राणियों की तुलना में वनस्पतियों को ऊर्जा की कम आवश्यकता होती है। वनस्पतियों को नाइट्रोजन, फास्फोरस, मैग्नीशियम, मैग्नीज, सोडियम जैसे अकार्बनी पदार्थों की आवश्यकता होती है। अकार्बनी पदार्थ क्या क्या है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, मैग्नीशियम, मैग्नीज और सोडियम, ये अकार्बनी पदार्थ हैं। इन पदार्थों का सबसे नजदीकी व समृद्ध स्रोत क्या है? ये सब पदार्थ कहाँ से मिलते हैं बच्चों? पेड़ पौधों को जमीन से मिलते हैं। समृद्ध स्रोत इसके क्या है? जमीन है। कैसे लेती हैं? ये देखिए, ये जड़ें इसकी क्या है? जमीन के अंदर चली जाती हैं। वनस्पतियों की जड़ें जमीन से इन पदार्थों का अवशोषण कर इनका परिवहन देखिए लेकर के पानी ऊपर सिराओं तक पहुंचा रही हैं। ये कार्य विशेष प्रकार के ऊतकों द्वारा किया जाता है, जल वाहिनियां और रस वाहिनियां। अन्न का जल वाहिनियां जल का वहन करती हैं और रस वाहिनियां जो होती हैं वो अन्न का वहन करती हैं।
वनस्पतियों के सभी भाग इसी संवहनी ऊतक से जुड़े होते हैं। तो वनस्पतियों में पानी का वहन कैसे होता है बच्चों? हमने आपको बताया दो वाहिनियां है, जल वाहिनियां जिसमें जल का प्रवाह और रस वाहिनियां जिसमें अन्न का वहन होता है। ये देखिए बच्चों, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, ये देखिए इस प्रकार से ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स का होता है। वनस्पतियों में पानी का वहन कैसे होता है देखिए, यहाँ पर चित्र के माध्यम से दिखाया गया है कैसे जड़ें जमीन से खनिज लवण अवशोषित करके उसको पूरे पेड़ पौधों तक पहुंचाती हैं। और आप सभी ये जानते हैं वनस्पतियां प्रकाश की उपस्थिति में अपने पत्तियों के माध्यम से, हरी हरी जो पत्तियां है, प्रकाश संश्लेषण की विधि से भोजन तैयार करती है और वो वनस्पतियों को देती है। तो इस प्रकार से बच्चों वनस्पतियों में, ये देखिए पानी का वहन, ये चित्र द्वारा देखिए पानी कैसे अवशोषित होकर के ऊपर ले जा रही है, दे रही है। ये जड़ों द्वारा होने वाला अवशोषण है। जड़ों की कोशिकाएं क्या होती है बच्चों, ये देखिए आप यहां, ये जमीन के अंदर जाती हैं। ये जड़ों की कोशिकाएं क्या होती है, जमीन के अंदर, जमीन के अंदर जाती हैं और जमीन के पानी व खनिज के संपर्क में रहती हैं और इस सांद्रता में होने वाले अंतर के कारण पानी और खनिज जड़ों की पृष्ठभाग की कोशिकाओं में, देखिए पृष्ठभाग की कोशिकाओं में प्रवेश करती हैं। इसी कारण ये कोशिकाएं उससे सटी हुई कोशिकाओं पर दाब निर्माण करती हैं और इसे ही क्या कहते हैं, मूली दाब कहते हैं। इसे क्या कहते हैं बच्चों, मूली दाब माने रूट प्रेशर। इस दाब के कारण, ये देखिए यहाँ चित्र में दिखाई दे रहा है, इस दाब के कारण पानी तथा खनिज जड़ों की जल वाहिनियों तक पहुंचाती हैं तथा सांद्रता का अंतर मिटाने के लिए ये आगे ढकेले जाते हैं। इस सातत्यपूर्ण हलचल द्वारा पानी का एक स्तंभ तैयार होता है और ये दाब झाड़ियों, छोटी वनस्पतियों, छोटे वृक्षों में पानी ऊपर चढ़ाने के लिए पर्याप्त होता है। ये देखिए ये मूल केश है, ये पानी है, ये पानी देखिए कैसे ऊपर चढ़ता है, ये देखिए पानी, इसको बोलते हैं जल वाहिनियां, इसको बोलते हैं क्या, जल वाहिनियां। ये देखिए पानी है जड़ों से, यहाँ पर यहाँ से आके चढ़ा जाता है। यहाँ पर एक कैल्शियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन जो आवश्यकता होती है खनिज लवण अवशोषित करके कैसे आगे चढ़ा दिया जाता है, देखिए इस प्रकार से चित्रों द्वारा स्पष्ट हो रहा है। आगे हम आपको बताएंगे वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन जैसे हमको पसीना आता है बच्चों ना, एग्जर्शन उसको बोलते हैं हम। ये कैसे पानी छोड़ते हैं वातावरण में पत्तियों के द्वारा, वाष्पोत्सर्जन इसको बोलते हैं ट्रांसपायरेशन। क्या बोलते हैं बच्चों, ट्रांसपायरेशन, वाष्पोत्सर्जन। इसमें होता क्या है बच्चों, सभी वनस्पतियां वाष्पोत्सर्जन करती है। देखिए कि वनस्पतियां जो इनकी पत्तियां होती हैं उसमें उपस्थित पर्ण रंध्रों की सहायता से वाष्प के रूप में पानी का उत्सर्जन करती हैं। पर्ण रंध्र के चारों ओर बगल में दो बाह्य आवरण युक्त कोशिकाएं होती हैं। ये देखिए चित्र यहाँ पर दिखा रहे, ये पतली परत है, ये इसके ऊतक है, ये इसका देखिए यहाँ पर मुंह दिखा दिया है, यहाँ पर ये पानी है, ये इसकी संरक्षक कोशिका है और यहाँ ये पत्ती है। ये पत्तियाँ कैसे पानी को छोड़ती है, देखिए पानी ये तो सभी जानता है जड़ों के द्वारा, ये देखिए कहाँ से पानी जा रहा है, पानी यहाँ से जा रहा है, पानी ये देखिए ऊपर चढ़ रहा है पानी और ये पत्तियों को ले जाके देती इसके मुंह पर। ये देखिए पानी यहाँ पर मुंह पे आ जाता है, इसका मुंह है। तो बच्चों
परिणांध्र के चारों ओर बगल में दो बाह्य आवरण युक्त कोशिकाएं होती है, जिन्हें हम रक्षक कोशिकाएं कहते हैं। ये कोशिकाएं पड़रंध्रों के खुलने पर, बंद होने पर नियंत्रण करती हैं, और इन्हीं पड़रंध्रों द्वारा क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन होता है, और इसी क्रिया को, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को हम वाष्पोच्छ्वास भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वाष्पोच्छ्वास कहते हैं। पत्तियों से वाष्पीकरण की क्रिया द्वारा पानी वातावरण में उत्सर्जित होता है, इस कारण पत्तियों की अपि त्वचा में पानी की मात्रा कम हो जाती है, और जब पानी कम हो जाता है तो उसको सही रखने के लिए जलवाहिनियां क्या करती हैं, द्वारा पानी पत्तियों तक पहुंचाया जाता है। पत्तियों में जो पानी रहता है वो जब सूर्य की गर्मी पड़ता है तो उसमें से वो भाप बन के उड़ जाता है, तो पत्तियां सूख जाएगी, पानी नहीं पाएगी, तो ये जल वाहिनियां क्या करती है, नीचे से पानी पत्तियों को, देखिए ये जल वाहिनियां इधर है, ये पानी देखिए ऊपर पहुंचा रही थी, इधर पत्ती तक ये पानी आराम से पहुंच जाएगा। वाष्पोच्छ्वास की क्रिया पानी व खनिज को अवशोषित करने तथा उन सभी भागों में पहुंचाने में मदद करती है, तथा मूली दाब के परिणाम स्वरूप रात के समय पानी ऊपर की ओर चढ़ाने का महत्वपूर्ण कार्य होता है। अब बता दें बच्चों, कुछ वनस्पतियों हैं, उससे लगभग हमारे वैज्ञानिकों ने खोजा है कि कितने लीटर पानी निकलता है। ये देखिए ओक का ट्री है, ओक का पेड़ है, ओक नामक वनस्पति है। ये देखिए सूर्य का प्रकाश है, जब आप जानते हैं पानी कब भाप बन के उड़ता है, जब उसमें गर्मी लगती है। जैसे आप अभी टोपा में पानी गर्म कर दो या धूप में रख दो तो पानी की मात्रा कम हो जाती, माने भाप बन के उड़ता है। तो ये वनस्पतियां भी, ओक नामक वनस्पति है, ये अपनी पत्तियों के द्वारा, देखिए वाष्पोत्सर्जन हो रहा है, एक वर्ष में लगभग ओक नामक वनस्पति अपनी पत्तियों द्वारा एक वर्ष में लगभग 151,000 लीटर पानी वाष्पोत्सर्जित करती है। उसी प्रकार ये मक्के का खेत है बच्चों, जिसको मकाई बोलते हैं, मकाई का खेत अगर एक एकड़ क्षेत्र में उगाई गई मक्के की फसल हो तो फसल दिन में लगभग 11,400 से 15,100 लीटर पानी का उत्सर्जन करती है। इसकी पत्तियां एकदम हरी भरी होती हैं बच्चों, इसका पूरा पेड़ ही हरा भरा होता है मकाई का, तो एक दिन में अगर एक एकड़ खेत की चर्चा की जाए तो इसकी पत्तियों के माध्यम से 11,400 से 15,100 लीटर पानी का उत्सर्जन ये करती हैं। ओक जो होता है एक वर्ष में 151,000 लीटर, और ये जो एक एकड़ में बोई गई, लगाई गई ये मकाई की खेती है, वह 11,400 से लेकर 15,100 लीटर पानी का उत्सर्जन प्रतिदिन करती है बच्चों। वनस्पतियों में अन्न और अन्य पदार्थों का परिवहन किस प्रकार से होता है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस इन प्लांट्स। आप बच्चों सभी लोग जानते हैं कि वनस्पतियों में तैयार किया हुआ भोजन वनस्पतियों की प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचाई जाती है। वनस्पतियां अपना भोजन खुद बना लेती है बच्चों, हम आप वनस्पतियों के ऊपर डिपेंड हैं, हम अपना भोजन खुद नहीं बना सकते, लेकिन वनस्पतियां अपना भोजन खुद बना लेती है प्रकाश की उपस्थिति में और उसकी अपनी पत्तियों के द्वारा। अमीनो अम्ल को छोड़कर अतिरिक्त भोजन जड़ों और फलों व बीजों में संग्रहित होता है उनके, और इसी क्रिया को पदार्थ का स्थानांतरण कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? पदार्थ का स्थानांतरण। कहां अतिरिक्त भोजन जड़ों फलों व बीजों में संग्रहित होता है, इस क्रिया को हम
ट्रांसलोकेशन कहते हैं। यह क्रिया रक्त वाहिनियों द्वारा ऊपर तथा नीचे की दिशा में होती है। देखिए यहां पर ये ऊपर भी जा रहा है, ऊपर और नीचे की दिशा में होती है। पदार्थों का स्थलांतर सामान्य भौतिक क्रिया नहीं है, अपितु इसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। और यह ऊर्जा उनको कहां से प्राप्त होती है? यह ऊर्जा उनको देखिए यहां से प्राप्त होती है, एटीपी से प्राप्त होती है बच्चों। यह ऊर्जा उनको कहां से प्राप्त होती है? एटीपी से। जिस समय सुक्रोज जैसे अन्य द्रव्य का रस वाहिनियां एटीपी की सहायता से वहन करती हैं, उस समय उस भाग में पानी की संघति कम हो जाती है, जिसके कारण डिफ्यूजन माने परासरण क्रिया द्वारा पानी कोशिका के अंदर प्रवेश होता है। कोशिकाओं के घटकों में वृद्धि के कारण कोशिका की दीवारों पर दाब बढ़ता है और इस दाब के कारण अन्य द्रव्य सटी हुई कम दाब वाली कोशिका में भेज दिए जाते हैं और यह क्रिया रसवाहिनी की वनस्पति की आवश्यकता अनुसार द्रव्यों का वहन करने में सहायता करती है। फूल उगने की जलवायु में जड़ों या तनों में संग्रहित की हुई जो शर्करा रहती है बच्चों, कली का फूल में रूपांतरण करने के लिए कलियों में भेजी जाती है। ये हुआ वनस्पतियों में अम्ल और अन्य पदार्थों का परिवहन किस प्रकार से होता है। आगे हम आपको उत्सर्जन के बारे में बताएंगे बच्चों, एक्सर्शन के बारे में। तो ये जो एक्सर्शन जो होता है बच्चों, वो वनस्पतियों में भी होता है और प्राणियों में भी होता है, ह्यूमन में भी होता है बच्चों। कैसे होता है? तो आज हम थोड़ा सा ही इसमें केवल वनस्पतियों के बारे में बताएंगे। आप लोगों ने बगीचे में देखा होगा कि पेड़ में बहुत सारी पत्तियां लगी रहती हैं। आप उसको तोड़ना चाहेंगे, बड़ी मेहनत करेंगे, कुछ पत्तियां तोड़ेंगे, कुछ पत्तियां उसकी टहनियों में लगी रहती है। लेकिन आपने कभी ये देखा है कि एक दिन ऐसा भी आता है कि हम रात में सोए, सुबह उठे और बगीचे में जाते हैं तो एक पत्ती दिखती ही नहीं है पेड़ में, पेड़ बिना पत्ती का हो जाता है। पेड़ बिना क्या हो जाता है? पत्ती का हो जाता है। तो बच्चों आप लोगों ने कभी सोचा है कि आपके घर में कचरा है, आप अपने घर में से कचरा निकाल देते हैं, बेकार की चीजें फेंक देते हैं उसमें, तो आपके घर में तो कचरा नहीं दिखता है, लेकिन बाहर जाते तो कचरे का क्या होता है? उस कचरे में भी से स्मेल निकलती है, माने उसमें से भी उत्सर्जन होता है। अब जो सजीव है बच्चों, लिविंग थिंग्स जितने भी हैं, जितने भी सजीव हैं, उसमें बहुत सारे अवांछित घातक पदार्थ जैसे यूरिया है, यूरिक अम्ल है, अमोनिया है, ये सारी चीजें तैयार होती है। यहां पर लिखा है जैसे यूरिया, यूरिक अम्ल, अमोनिया। अब अगर यह पदार्थ जो तैयार होते हैं, यह पदार्थ हमारे शरीर में संचित रहे या हमारे शरीर में ज्यादा समय तक रहे तो हानि हो सकती है, ये हानि हमें पहुंचा सकते हैं। ये हानि ही नहीं, कभी कभी हमारी मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए अपने शरीर के अंदर जो घातक पदार्थ है बच्चों, वह अपना शरीर क्या करती है? उसको बाहर निकाल देती है। और यह प्रक्रिया जो होती है अलग अलग सजीवों में अलग अलग पद्धति से होती है। अब कुछ तो प्राणी एक कोशिकी भी होते हैं, कुछ बहुकोशिकी होते हैं। एक कोशिकी सजीवों में अपशिष्ट पदार्थ
कोशिका के पृष्ठ भाग से सीधे बाहर निकाल दिया जाता है एक कोशिकीय सजीवों में। लेकिन बहुकोशिकीय सजीवों में, जो बहुकोशिकीय सजीव होते हैं उनमें उत्सर्जन की क्रिया जो होती है बच्चों बहुत ही जटिल होती है। ये बहुकोशिकीय जैसे मनुष्य है, इसकी क्रिया जो होती है बहुत ही जटिल होती है। तो उत्सर्जन किसे कहते हैं बच्चों? अपशिष्ट घातक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। अपशिष्ट घातक पदार्थों को शरीर में बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। हमने आपको बताया कि एक कोशिकीय सजीवों में अपशिष्ट पदार्थ कोशिका के पृष्ठ भाग से सीधे बाहर निकाल दिया जाते हैं, सीधे बाहर विसर्जित होता है बहुत ही आसानी से। लेकिन जो बहुकोशिकीय है प्राणी मनुष्य है, इसका एक्सर्शन जो होता है, इसका उत्सर्जन की क्रिया बहुत ही जटिल होती है। आगे के वीडियो में हम पदार्थों में एक्सर्शन, मनुष्यों में, प्राणियों में एक्सर्शन कैसे होता है मानव में, उसके बारे में बताएंगे। इसमें हम केवल आपको वनस्पतियों के बारे में बनाएंगे। तो वनस्पतियों में जो होने वाले, तो उत्सर्जन हो गया, अभी वनस्पतियों में होने वाला उत्सर्जन, जैसे हमने चर्चा किया कि आप जब सो के उठते हैं तो पूरा पेड़ ही, पेड़ के पत्ते झड़े हुए मालूम पड़ते हैं। और देखिए सभी पेड़ के पत्ते आराम से गिर जाते, एक भी पत्ता रहता नहीं। तो बच्चों ये क्रिया ऋतुओं के अनुसार होती है। विशिष्ट ऋतु आती है तो पतझड़ होता है। वनस्पतियों में आप अपने घर में गमला लगाए हैं, गमले में फल फूल लगाए हैं, उसके भी फल फूल कुछ समय के बाद झड़ जाते हैं। गोंद जैसे पदार्थ भी वनस्पतियों के शरीर में उत्सर्जित कर दिए जाते हैं। तो जो वनस्पतियों की उत्सर्जन क्रिया है बच्चों, प्राणियों की जो उत्सर्जन क्रिया है उससे बहुत ही सरल है। वनस्पतियों में हमने कहा कि वनस्पतियों में बाहर निकाले जाने वाले अपशिष्ट पदार्थों के लिए विशेष उत्सर्जक या अवयव या उत्सर्जक संस्थान नहीं होते कि जिनके माध्यम से होता है। ये विसरण क्रिया द्वारा गैसीय पदार्थ बाहर निकाले जाते हैं, विसरण क्रिया द्वारा। ये डिफ्यूजन मेथड है बच्चों, ये विसरण क्रिया है, डिफ्यूजन रिएक्शन। विसरण क्रिया द्वारा गैसीय पदार्थ बाहर निकाले जाते हैं। और वनस्पतियों में बहुत से पदार्थ बाहर फेंके जाने वाले पदार्थ उनकी पत्तियों की रिक्तिका, फूल फल व तनों की छालों में संग्रहित होते हैं और कुछ समय बाद ये अवयव झड़ जाते हैं। अन्य व्यर्थ पदार्थ राल व गोंद के रूप में जीर्ण जलवाहिनियों में संग्रहित किए जाते हैं। वनस्पतियां अपनी जड़ों द्वारा भी आसपास की जमीन में व्यर्थ पदार्थ उत्सर्जित करती हैं। बच्चों आप लोगों ने अरुई का पत्ता, ये देखिए अरुई का पत्ता है, इसको आप किसी भी प्रकार से आप खाओ तो आपके गले को काटता है, या इसमें खट्टा पदार्थ मिलाया जाता है तो गर कम काटता है। आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? अगर आप अरुई के पत्ते को या सूरन के पत्ते को छू दो तो आपके हाथों में खुजली होती है। तो किस कारण से होती है? तो बच्चों हमने कहा जितनी भी वनस्पतियां हैं, जितने भी प्राणी हैं, जितने भी सजीव प्राणी कह लीजिए है, चाहे वो वनस्पति हो चाहे प्राणी हो, जितने भी सजीव हैं, सभी लोग उत्सर्जन करते हैं, सब में उत्सर्जन होता है। नहीं तो बहुत सारे अपशिष्ट पदार्थ उसके अंदर जमा हो जाएंगे, हानि हो जाएगी, वो वनस्पतियां होंगे, प्राणी होंगे, वो मर जाने की संभावना रहती है। तो बच्चों इसी प्रकार से देखिए ना, अरुई का पत्ता है, इसमें अपशिष्ट द्रव्य कैल्शियम ऑक्सीलेट, ये तो गोंद निकल रहा है,
ये गोद निकलता हम लोगों के काम में आता है, लेकिन इसके लिए ये भी अपशिष्ट पदार्थ है। ये भी अपशिष्ट की मात्रा इसके अंदर अधिक हो जाएगी तो पेड़ सूख सकता है। कुछ वनस्पतियों में अपशिष्ट द्रव्य, इसका नाम है कैल्शियम ऑक्सीलेट, के स्फटिक के रूप में होती है, उन्हें रफाइट्स कहा जाता है। और रफाइट्स क्या होता है बच्चों? सुई के आकार की होने के कारण, सुई के आकार की, इसका ऊपर वाला भाग यहाँ पर देखिए, सुई के आकार की होने के कारण ये त्वचा पर चुभती है, और जब चुभती है तो हमें खुजली होती है। तो वनस्पतियों के कुछ अपशिष्ट पदार्थ मानव के लिए काफी उपयोगी है। उदाहरण के लिए जैसे रबड़, गोंद या राल, ये जो निकल रहा है रबड़, ये हमारे लिए बहुत उपयोगी है, लेकिन ये पेड़ पौधों के क्या है? अपशिष्ट पदार्थ। इनके क्या है? अपशिष्ट पदार्थ है, लेकिन ये हमारे लिए बच्चों बहुत ही उपयोगी है। तो इसमें जो खजली होती किसके कारण होता है? कैल्शियम ऑक्सालेट के स्फटिक होते हैं जिनको हम राफाइट्स कहते हैं। तो ये अपशिष्ट पदार्थ जो निकाले रहते हैं उसको हम छू देते हैं तो जिसके कारण हमारे हाथों में क्या होती है बच्चों? खुजली होती है। और जो इनके अपशिष्ट पदार्थ है जैसे रबड़ है, गोंद है, राल है, ये हमारे लिए हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही उपयोगी है। माने अपशिष्ट पदार्थ भी इनके हमारे लिए, वनस्पतियां पेड़ पौधों से पत्तियां निकालती है, वो सड़ा करके ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर हम बनाते हैं, वो भी हमारे लिए उपयोगी है। तो बच्चों हम लोग क्या सीख रहे थे? हम लोगों ने सीखा इसमें पार्ट वन वीडियो में वनस्पतियों में परिवहन किस प्रकार से होता है, और उत्सर्जन में हमने कहा उत्सर्जन तो वनस्पति और प्राणी मानव सब में होता है, लेकिन हमने आज वनस्पति के बारे में केवल सीखा है। मानव में उत्सर्जन वो कठिन है उत्सर्जन, तो उसके बारे में हम अगले वीडियो में सीखेंगे। और उस वीडियो में हम वनस्पतियों में समन्वय किस प्रकार से होता है, तालमेल कैसे होता है, उसके बारे में भी हम जानेंगे। तो बच्चों इस वीडियो में आज के लिए इतना है, आगे हम नए वीडियो में आपसे फिर मुलाकात इसी पाठ में पार्ट टू के रूप में करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, हमने जो आज सीखा, हमें पूर्ण विश्वास है आप उसको अच्छी तरह से सीख चुके हैं और उसका आप अच्छी तरह से अभ्यास भी करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।